हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होती है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है। जो एंगल 90 डिग्री का है उसके सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, जो नीचे वाली साइड होती है उसको बेस कहते हैं, और जो ये हमारी हाइट है इसको हम हाइट भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। आपको तीनों में से कोई भी एक नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। पाइथागोरस एक रिलेशन होता है राइट एंगल ट्रायंगल की सभी साइड के बीच में। अगर हम जो हमारी ये बड़ी साइड है इसका स्केयर कर दें, यानी कि हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू, तो वो बेस का स्केयर और हाइट के स्केयर को ऐड करने से जो आंसर आएगा उसके इक्वल होगा। यानी हम बेस का भी स्केयर कर देते हैं और हम हाइट का भी स्केयर कर देते हैं, तो यहाँ पे एच सेम हो जाएगा। मैं हाइट की जगह पे लिख रही हूँ परपेंडिकुलर। आगे मैं आपको एग्जांपल से भी समझा दूंगी, फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए। आप इसको पूरा लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। आपको परपेंडिकुलर की जगह एल्टीट्यूड भी लिखा हुआ मिलेगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास बेस है 4 सेंटीमीटर, हाइट है 3 सेंटीमीटर और ये एंगल 90 डिग्री का है। ये कंडीशन कंपलसरी है, ये एंगल 90 डिग्री का ही होना चाहिए, अदरवाइज पाइथागोरस अप्लाई नहीं होगी। हाइपोटेनस मान लीजिए दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो जब हम 3 का स्केयर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, प्लस हम 4 का स्केयर करेंगे ये आ जाएगा 16, इज इक्वल टू, जब हम इसका स्केयर करेंगे तो 25 है। 9 में 16 को ऐड किया 25 आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई होती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमें दो साइड दे रखी है, एक साइड निकालनी है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्या रखा है, हाइट है 5 सेंटीमीटर, उसका जो बेस है वो हमें निकालना है, तो ये इसको हम एक्स मान लेते हैं। हाइपोटेनस में गिवन है 13 सेंटीमीटर। अब हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और इस एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। सबसे पहले हम हाइपोटेनस का स्केयर करेंगे, यानी 13 का स्केयर किसके इक्वल होता है, इन दोनों के स्केयर के सम के इक्वल। तो एक्स का स्केयर ऐसे कैसा हो जाएगा, प्लस में 5 का स्केयर आ जाएगा 25, ये 25 इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। पहले हम 13 का स्केयर कर लेते हैं। 13 का स्केयर होता है 169। 169 में से जब हम 25 को इस तरफ लेकर आएंगे पहले, फिर माइनस करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 144। अब आप 144 का देख लीजिएगा कि ये किसका स्केयर है। अगर आपको नहीं पता कि स्केयर कैसे देखते हैं तो वो भी मैं आपको अलग से वीडियो में समझा दूंगी, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। 144 स्केयर होता है 12 का। तो इस तरह से हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई 12। ऐसे ही और भी बहुत सारे जोड़े होते हैं जिनके ऊपर पाइथागोरस पूरी तरह से अप्लाई होती है, जैसे कि हमारे पास 10, 24 और 26 है, 8, 15 और 17 है। आप चाहो तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, जो बड़ी साइड है उसका स्केयर साइड में करके लिख लीजिएगा, फिर जो छोटी साइड है उन दोनों का स्केयर करके उनको आपस में ऐड कर दीजिए। इन दोनों का जो सम आएगा वो इसके स्केयर के इक्वल आएगा, तो पाइथागोरस अप्लाई होती है, नहीं तो नहीं होती है। अगर आप ये भी सीखना चाहते हो कि पाइथागोरस थ्योरम आई कहाँ से और हम उसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। थैंक यू वेरी मच।